हैं कि यूआई कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कितने हमारे पास लेआउट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनाएंगे, पहली एप्लीकेशन का नाम रखते हैं लेआउट टेबल, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं एमपीटी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी एंड फिनिश। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो हमारे पास बेसिकली जो लेआउट्स हैं वो बहुत सारे लेआउट्स मौजूद हैं, जैसे सबसे लेटेस्ट जो लेआउट है वो कोऑर्डिनेट लेआउट्स है, ठीक है। आज उसको डिस्कस करते हैं कि क्या होती है आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट और कोऑर्डिनेट लेआउट्स। पुरानी जो लेआउट्स हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट स्क्रीन बना सकते हैं, जो वेरी बहुत कॉमन भी हैं, उनमें से एक है लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट का मतलब ये है कि अगर आप ये लेआउट की मदद से यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इसके अंदर जो इनर कंपोनेंट मौजूद होंगे उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर लेआउट के अंदर दो तरह की ओरिएंटेशन होती है नॉर्मली, कि अगर आप लीनियर लेआउट बना रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी इनर कंपोनेंट होंगे आप उनको या तो वर्टिकली सॉर्ट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होगा, एक कंपोनेंट को आप दूसरे कंपोनेंट से रिलेट करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपोनेंट रखा और आपने कहा ये दूसरा कंपोनेंट इसके बराबर में होना चाहिए या ये दूसरा कंपोनेंट इससे ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। इस तरह की जितनी भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो रिलेटिव लेआउट कर सकते हैं। टेबल लेआउट के अंदर हमारे पास 2D जो है वो कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं और कॉलम होते हैं। तो आप अगर रोज एंड कॉलम की सूरत में यूआई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ग्रिड की फॉर्म में तो आप टेबल लेआउट यूज़ करते हैं। तो टेबल लेआउट हमारे पास वेब डेवलपमेंट में भी होती है, जिसके अंदर आपके पास एक टेबल के अंदर मल्टीपल रोज होंगी और मल्टीपल हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट लेआउट है, ये सबसे पुरानी लेआउट है, ये हम यूज़ नहीं करते नॉर्मली। इसमें एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक पूरी स्क्रीन पे कोई भी एक पोजीशन बता दें किसी भी एक कंपोनेंट की। फॉर एग्जांपल आपने बटन रखा और आपने कहा बटन को एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए और वाई एक्सिस की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो आप इसको किसी भी डिवाइस पर रन कर लें, ठीक है, किसी भी रेजोल्यूशन की डिवाइस पर रख लें, ये उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर जाएगा। तो एब्सोल्यूट लेआउट नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव मौजूद है। ये काम रिलेटिव लेआउट के थ्रू भी कर सकते हैं और जो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली कंस्ट्रेंट लेआउट उसमें भी कर सकते हैं। फ्रेम लेआउट नॉर्मली उसे होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो फ्रेम लेआउट सिर्फ वहाँ यूज़ किया जाता है जब आपके पास इनर जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एग्जैक्टली वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रेम लगाया, अब इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को नहीं रख सकते, रिकमेंडेशन ये है कि आप रख तो सकते हैं लेकिन नॉर्मली फ्रेम लेआउट हम तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को फ्रेम करना हो। तो इस फ्रेम लेआउट के अंदर नॉर्मली और एंड्रॉयड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से आपके पास सिंगल कंपोनेंट होना चाहिए फ्रेम लेआउट के। दूसरी चीज़ लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या है कि अगर आपने कलेक्टिवली एक सिमिलर आइटम को रखना है तो आपके पास लिस्ट बन जाएगी, जैसे हमारे पास समाज सॉन्ग की लिस्ट होती है, गैलरी की लिस्ट होती है। और ग्रिड व्यू इसका वाइस वर्सा है, ग्रिड व्यू के अंदर आपके पास जो है वो 2D कॉलम्स होते हैं कि एक रो में आप चाहते हैं कि इतने कंपोनेंट्स आए तो वो पूरा फैशन उस तरीके से चलना होगा। तो लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू को समझने के लिए तो हमने एक नया मॉड्यूल रखा है, मॉड्यूल 5, इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि लिस्ट व्यू को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ग्रिड व्यू को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर नीड, ठीक है। तो बेसिक जो मैंने अभी पहली एप्लीकेशन बनाई है उसका नाम मैंने रखा है लेआउट डेमो। आज 2-3 एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि आपके पास रेफरेंस मौजूद हो कि इसके अंदर तमाम लेआउट से रिलेटेड डेटा मौजूद है और दूसरे में, ठीक है। तो अगर मैंने अभी पहली एक्टिविटी बनाई है तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो लेआउट आ गई है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट नई लेआउट है और ये इसलिए बनाई गई है कि आप नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस पे काम करते हैं इस लेआउट की मदद से रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी महसूस होती है। फॉर एग्जांपल हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ विजिट्स आ रही हैं, ठीक है। विजिट्स तमाम कंपोनेंट हैं जिन हमने बात की थी, ये तमाम विजिट्स की जो टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास होगी वो व्यू होगी, ठीक है, क्योंकि तमाम कंपोनेंट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं।
ये आपके पास तमाम विजिट्स की लिस्ट मौजूद है, ठीक है। टैक्स व्यू है, बटन है, टॉगल बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, काफ़ी चीज़ें। इनमें से कुछ अभी मैं आपको करा देता हूँ डेमो के तौर पे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बेसिक एक टेक्स्ट व्यू को देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इस हर कंपोनेंट के साथ हम एक कंस्ट्रेंट को एम्बेड करेंगे। अब अगर आप इस टेक्स्ट व्यू की कंस्ट्रेंट को देखें तो इस पर कंस्ट्रेंट क्या अप्लाई हो रही है, ये सेंट्रल में आ रहा है। अब आपको उसको किसी भी स्क्रीन पर खोल लें, टैब पर खोल लें, टी वी पर खोल लें, स्मार्ट वॉच पर खोल लें, आपकी एप्लीकेशन के बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, अगर आप इसकी कंस्ट्रेंट को देखें ना, तो असल काम की चीज़ हमारे पास ये है। ये तो ऊपर की होती लाइन, आपने एक टैक्स व्यू रखा और किस कंटेनर के अंदर रखा, ये सवाल है कि हमने रखा है कंस्ट्रेंट लेआउट के। अब कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये तीन लाइनों के थ्रू जो आपके पास जो है वो टैक्स व्यू अपेयर हो जाएगा इस स्क्रीन पे। अब आप कंस्ट्रेंट क्या लगा रहे हैं कि ये जो टैक्स व्यू है वो पेरेंट के बॉटम पे होना चाहिए तो ये टॉप पे चला जाए। आपने कहा यही टैक्स व्यू जो बॉटम है उस पर होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये भी कह रहा है कि पेरेंट के करीब होना चाहिए बॉटम से, ये भी क्या कह रहा है पेरेंट के करीब होना चाहिए। तो दोनों को इक्वली अगर आप देखेंगे तो दोनों कंस्ट्रेंट के अप्लाई होने पे ये टॉप पे चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये दोनों लाइनें हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसको बॉटम से भी पेरेंट पे कर दो। और तो अब आप देखेंगे तो दोनों कंस्ट्रेंट को उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपने कहा बॉटम से भी पेरेंट पे होना चाहिए और टॉप से भी पेरेंट पे होना, तो ये बीच में आगे खड़ा है क्योंकि ये इक्वली उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वली बॉटम लेयर से भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसने कहा, आपने कहा कि भाई ये लेफ्ट है ना, उस पर पेरेंट के लेफ्ट पे होना चाहिए तो ये यहीं पर रहेगा, लेकिन मैं जैसे ही ये लाइन लिखूंगा कि ये पेरेंट के राइट पे भी होना चाहिए तो इक्वली कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होगी, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि इसको चारों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करनी है, तो ये आप कह रहे हैं कि आप टॉप पे आ जाएं, ये कह रहा है बॉटम पे भी आ जाएं, ये कह रहा है राइट पे भी आ जाएं और ये कह रहा है लेफ्ट पे भी आ जाएं, तो वो सेंट्रली आ जाएगा, ठीक है। हर एक के बाद इक्वली कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, नॉर्मली ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन का काम हम जीयूआई के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस विजिट को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, अब इसके अंदर कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट मौजूद नहीं है। डिज़ाइन पे आए हम, और फॉर एग्जांपल हमने एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। मुझे नहीं पता ये स्क्रीन पे अभी कहाँ पे मौजूद है, मैंने ऐसे ही रैंडमली ड्रैग कर दिया। एक लॉगिन स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ तो ज़ूम आउट करते हैं, और मैंने एडिट टेक्स्ट मौजूद है। एडिट टेक्स्ट वो कंपोनेंट है जिसके अंदर आप कुछ कीबोर्ड के थ्रू राइट कर सकते हैं, तो डिफरेंट वर्जन मौजूद है एडिट टेक्स्ट के। कि आपने को अगर एक एडिट टेक्स्ट ऐसा ड्रैग कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकें, अगर आप पासवर्ड लिखना चाह रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आप लिख रहे होंगे तो ये उसको विजिबल नहीं करेगा, इनविजिबल फॉर्म में डॉट या स्टेरिक फॉर्म में कर देगा। अब अगर आपका पासवर्ड जो है सिर्फ अगर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है तो आप पहले वाले को ड्रैग कर दें, ठीक है। तो आपके पास होता ही है कि आप हर एडिट टेक्स्ट के अंदर जो है उसकी टाइप बता देते हैं कि इसके अंदर इनपुट टाइप क्या है इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया,
ठीक है, अभी हमें नहीं पता इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो ये एडिट टैग्स आ चुके हैं। अगर मैं आपको इसकी जैमिल की दिखाऊं, तो आप इसके इनपुट टाइप देते हैं। इनपुट टाइप क्या कह रही है कि इसकी इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट पासवर्ड। तो आप ये हटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर होता है क्या है कि नॉर्मली जब भी हम ईमेल, एक ऐसा एडिट टैक्स होता है जिसके अंदर ईमेल लिखने जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कीबोर्ड ऐसे खुलते नीचे एट द रेट आ रहा होता है। लेकिन नॉर्मली जिसमें आप नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, लास्ट नेम लिख रहे हैं, अपने घर का एड्रेस लिख रहे होते हैं नॉर्मली, तो एट द रेट आपके पास आ तो रहा होता है, लेकिन आपको सिम्बल्स में जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इनपुट टाइप बता देंगे तो खुद से आपके पास कीबोर्ड उसी फैशन में खुलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी इनपुट टाइप जो सिर्फ कर देता हूँ नंबर, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस पर आपके पास कोई राइट्स मौजूद ही नहीं होंगे कि इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकें। अगर आप कहीं से कॉपी भी करके पेस्ट करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक वैलिडेशन जो है आपकी इनपुट की वैलिडेशन जो है वो यहीं पे फोकस इजीली आप उसको कैटर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में भी, यहाँ पर एरर आ रहा था। ये एरर इसलिए आ रहा है, अभी हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो दोबारा जाके मैं एक दो एडिट टैक्स और ड्रैग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पासवर्ड ड्रैग किया है और एक मैंने ये ईमेल कर दिया, ठीक है। बटन को यहाँ कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज लॉगिन बटन, और इसको थोड़ा और करीब कर देते हैं, और इसी को इसके साथ, ठीक है। और एक टेक्स्ट व्यू पर प्रिंट करा देते हैं कि भाई ये जो है आपके पास लॉगिन स्क्रीन है, तो आप जस्ट आपने टैक्स विजिबल करवाना है, तो आपके पास यहाँ पे टैक्स व्यू का कंपोनेंट मौजूद है। मैंने जाके यहाँ पे ऐसे ही गए उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है, इस टैक्स व्यू को जाके जैमिल से चेंज कर दें इसका टैक्स, या आपके पास यहाँ पे जीयूआई आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर टैक्स जो है बाई डिफॉल्ट टैक्स व्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसका यहीं से ही टैक्स तब्दील कर दें, ठीक है। अब जो काम की है, अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ऊपर दो चीजें लिखी हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जिसपे क्रॉस का निशान बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी इस स्क्रीन पे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रही है वो तमाम रिमूव होगी। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पूरी अपनी यूआई डिज़ाइन कर लें कि जैसे आप चाहते हैं कि कैसे विजिबल। फॉर एग्जांपल हमने डिज़ाइन कर ली कि टैक्स व्यू टॉप पे हो, उसके बाद एक एडिट टैक्स होगा जिसके अंदर ईमेल लिखी जाएगी, उसके बाद पासवर्ड की आपने लिखने के लिए एडिट टैक्स रखा, उसके बाद एक बटन होगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ये खुद से कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा है, ये देख रहा है कि मैं ये जो कंपोनेंट है वो किसके नीचे मौजूद है और इससे ऊपर कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। तो अगर आपने पूरी स्क्रीन डिज़ाइन करना है, तो जब आप पूरी स्क्रीन डिज़ाइन कर लें, सबसे पहले जाके इसकी तमाम कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दें। तो यहाँ पर आ रहा है क्लियर और कंस्ट्रेंट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब इस पर जाऊँगा तो इस कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट से कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, ना अपने पेरेंट से कंस्ट्रेंट। उसके बाद आप ये करें, इधर ये बटन है, इसका नाम है इन्फर बटन, इन्फर कंस्ट्रेंट। इन्फर कंस्ट्रेंट करने पे डिज़ाइनर क्या करता है, आपका एंड्रॉयड का जो फ्रेमवर्क है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट किससे रिलेट कर, खुद ही उनकी जो है कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब अगर आप देखेंगे ठीक है, तो अब हमें ये बताएगा कि किसकी कंस्ट्रेंट किस कंपोनेंट से। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहां पे कोई एरर नहीं आ रहा, पहली चीज एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कंस्ट्रेंट जो है अप्लाई कर चुके हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसने अप्लाई कर दिया कि भाई ये फला चीज जो बटन है ना वो राइट से अपने पेरेंट के राइट से राइट पर होना चाहिए, लेफ्ट पर होना चाहिए, और इसने रेफरेंस दे दिया है कि कंस्ट्रेंट टॉप बॉटम ऑफ, कि ये एडिट टेक्स्ट जो है वो इससे टॉप पे होगा और ये उससे बॉटम पे होगा। तो अब आप इसको किसी भी स्क्रीन पे खोल लेंगे, चाहे वो 7 इंच की टैबलेट हो,
चाहे वो आपका 5 इंच का मोबाइल हो, 6 इंच का मोबाइल हो, इसने कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर जाता हूँ तो अब ये मुझे बता रहा है कि इसकी कंस्ट्रेंट वॉल से कितनी है, राइट वॉल से कितनी है, लेफ्ट वॉल से कितनी है, और टॉप जो टेक्स्ट व्यू मौजूद है उससे कितनी है। अभी अगर मैं दोबारा आगे इसकी जो है कंस्ट्रेंट रिमूव कर देता हूँ तो अब इसकी किसी से कंस्ट्रेंट नहीं है। जब इससे किसी से कंस्ट्रेंट नहीं है तो जिसको आपने जहाँ पर ड्रैग किया था आप इसको खोलेंगे वहीं पर रहेगा, ठीक है, रिलेटिवली एक दूसरे की पोजिशन को तब्दील नहीं करेगा। दोबारा मैं इसको इन्फर कंस्ट्रेंट करता हूँ तो अब आप देखेंगे तो तमाम की कंस्ट्रेंट दोबारा अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यस, ठीक है, अच्छा, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन को चेक करने के मल्टीपल तरीके हैं कि क्या ये आपके पास स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। एक तरीका ये आपके पास रियल डिवाइसेस होनी चाहिए, मतलब आपके पास अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं 5 इंच का मोबाइल भी मौजूद है, 6 इंच का मोबाइल भी मौजूद है, टैब भी मौजूद है, टैब के भी डिफरेंट वर्जन मौजूद है। दूसरा, आप अगर इधर देखें तो एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास डिज़ाइनर मौजूद है जो आपको यह अलाउ करता है कि आप एक्चुअली देख सकते हैं कि ये स्क्रीन अगर 6 इंच के व्यू में खुलेगी या उसके रेजोल्यूशन पर खुलेगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर नेक्सस वो सिलेक्ट हुआ, तो इसमें जाऊँगा तमाम लिस्ट ऑफ डिवाइसेस मौजूद होंगी और उनके इंचेस भी बता रहा होगा। जैसे अभी बता रहा है 3.7 इंच और इसकी जो है वो XDPI, ठीक है, 480x800 समथिंग, ठीक है। अगर आपके पास इंच मोबाइल के फॉर्म में हम टारगेट कर रहे होते हैं नॉर्मली तो आप डिसाइड कर लें कि आप यूज़र ने आपको क्या रिक्वायरमेंट दी है, उसने आपको क्या कहा है कि भाई किस इंच के मिनिमम जो है वो कितने इंच के मोबाइल पर चलना चाहिए रिस्पॉन्सिबली और मैक्सिमम इतने पर चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 इंच, 5.2, 5.5, 5.7, 6.0 इंच, ठीक है, ये टैब्स हैं। ये नीचे वाले 7 से लेके 10.1 की जो सीरीज़ है ये टैब्स हैं सारे आपके, ठीक है, और वो किसी भी कंपनी के हो, ये तमाम आपके मोबाइल हैं और ये आपके पास वो पुराने मोबाइल हैं जिनकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी छोटी होती थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5.5 इंच सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगी इसकी तस्वीर। लेकिन अगर आप इसको अब देखें तो इसने पोजिशन चेंज नहीं की, ये अपने लेफ्ट से भी उसी हिसाब से स्ट्रेच हुआ है, राइट से भी उस हिसाब से स्ट्रेच हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टैप पे खोल लेते हैं, 7 इंच के टैप पे खोलते हैं, तो आप देखेंगे इसे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई वॉल से राइट होना चाहिए, इस पे राइट होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे पास नई लेआउट मौजूद है, कंस्ट्रेंट लेआउट। मैं असल में हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं फास्ट लेके चलना है पहली चीज़। अब मैंने ये सोचा है कि मैं मुख्तलिफ जो है डेमो एप्लीकेशन बना के, मतलब एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के छोटी मोटी, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सके आपके किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में। तो मैं आपके पास ड्राइव में एक और फोल्डर बनाऊँगा हर लेक्चर के साथ डैमो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और डैमो प्रोजेक्ट्स के साथ जो मैंने किए होते हैं नॉर्मली रखे होते हैं या मेरे पास नया वर्जन मौजूद है उसको जो मैं प्रोजेक्ट करता रहूँगा, ठीक है, और वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। तो आपके पास एक बेसिक लेक्चर भी मौजूद होगा कि हमने कंस्ट्रेंट पे क्या बात की थी, और उसके लिए आपके पास एक लाइव एप्लीकेशन भी मौजूद होगी, ठीक है, जिससे आप रेफर करते हुए खुद से जो है वो आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट नॉर्मली आपको फोकस करती है कि आप डिज़ाइनर के थ्रू GUI डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट का नया टारगेट मौजूद है जो एंड्रॉयड रिकमेंड करता है कि आप अब XAML के लिखने नहीं जाएं, आप XAML याद ना रखें, XAML में जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको फोकस ना करें, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से UI बनाएं, कंस्ट्रेंट को इन्फर करें, हम ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देंगे, रिस्पॉन्सिव कर देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का फोकस ये, इससे पिछली भी जितनी भी लेआउट्स हैं वो बहुत पुरानी है लेकिन काफ़ी काम किए, जब आप ऐसा काम करने जा रहे होते हैं तो काफ़ी आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में एक और आखिरी बात बता दूँगा आपको कि इसके अंदर हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं कि मज़ीद लेआउट्स ना रखें, इनर लेआउट। फॉर एग्जांपल आपको कोई रोकेगा नहीं कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप लीनियर लेआउट रख लें, उस लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट रख लें, उस लीनियर लेआउट के अंदर कोई रिलेटिव लेआउट रख लें या एब्सोल्यूट लेआउट रख लें, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन रिकमेंडेशन एंड्रॉइड की ये है कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप डायरेक्टली इनर कॉम्पोनेंट रखें, कोई मज़ीद लेआउट ना रखें, सिर्फ कंपोनेंट रखें, इन्फर करना एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क के जरिए, ठीक है। अच्छा, इसी पे मैं दूसरी एक्टिविटी बनाता हूँ।
उसमें लीनियर लेआउट को डिस्कस करते हैं। अब लीनियर लेआउट में क्या है कि किसी चीज़ को आप लीनियर वे में रखना चाहते हैं। अब वो लीनियर वे में दो तरीके से, या तो आप किसी को टॉप टू डाउन रखेंगे, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट रखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ ब्लैंक, एमपीटी एक्टिविटी, नाम रख देते हैं लीनियर लेआउट फॉर एग्जांपल। तो लीनियर डेमो रख रहा हूँ उसका नाम, ठीक है, क्योंकि लीनियर लेआउट के नाम से ऑलरेडी आपके पास लेआउट मौजूद है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसके साथ, तो हमने लीनियर लेआउट डेमो कर देते हैं इसको। अच्छा, अब जितनी भी हम लेआउट डिस्कस करेंगे इसके लिए हम XAML को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट जो है उससे आपको एक अच्छा फ़ायदा ये हो सकता है कि आप XAML से बच जाएंगे। जिनको XAML नहीं आती वो कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करके वे भी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अब लीनियर लेआउट पर आते हैं और इसके मैं XAML एडिटर पे चला जाता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो लेआउट आई है सिलेक्ट होके वो कौन सी आई है, कंस्ट्रेंट लेआउट। मैं जाता हूँ और लेआउट को तब्दील करके कर देता हूँ, जो पैरेंट लेआउट मौजूद है इसको हम कर देते हैं लीनियर लेआउट। तो जो टैग आपका स्टार्ट होगा उसी टैग पे आपके पास जो है वो पैरेंट एंड होना चाहिए, तो इस पर हमने रख दिया कॉन्टेंट पर लीनियर लेआउट, ठीक है। तो आप देखेंगे जो टॉप पैरेंट जो टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड, ठीक है। अब लीनियर, हर लीनियर लेआउट की आपको बेसिकली ओरिएंटेशन बतानी होगी कि अगर आप लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी ओरिएंटेशन बता दें, क्या इसके अंदर जो इनर कंपोनेंट्स होंगे वो टॉप टू डाउन आएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो मैं लीनियर लेआउट के अंदर गया और लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन की, मैंने इसकी ओरिएंटेशन बता दी। एंड्रॉयड ओरिएंटेशन दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो अभी मैंने कर दिया इसको फॉर एग्जांपल वर्टिकल। तो अब इस कंटेनर की, इस लेआउट की जो फ्लो है वो क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट को आप रख दें, पहला कंपोनेंट जहाँ ख़त्म होगा उसके बॉटम से ही दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट होगा, जहाँ दूसरा ख़त्म होगा वहीं से ही तीसरा स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बटन रखा और अब इस बटन की प्रॉपर्टीज बता दें कि बटन की विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो विड्थ के लिए हमारे पास विड्थ की प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैच पैरेंट, मैच पैरेंट क्या करें, अगर आप किसी भी कंपोनेंट की विड्थ मैच पैरेंट कर देंगे तो वो अपने पैरेंट के कंटेनर को पूरा एक्वायर कर लेगा, विद हाइट पर ले जितनी भी हो, ठीक है। तो अभी इसकी हाइट डिफाइन नहीं है तो हमें इसलिए विजिबल नहीं है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दी हाइट क्या होगी इसकी, तो हाइट मैंने फॉर एग्जांपल लिख दी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये जितनी ये जगह मांग रहा है उतनी आप एलोकेट कर दें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अब जाके तो एक बटन आपके पास यूआई पे आ चुका है अजीब सा, जिसमें पूरी जो पैरेंट की जगह एक्वायर कर ली है लेकिन हाइट अपने हिसाब से उसने खुद ही रख ली है, जो प्री डिफाइन उन्होंने ऑटोमेटिकली सेट की। आप चाहें तो हाइट जो है वो खुद भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर टैक्स थोड़ा सा दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी एक्स टी की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप टैग्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कर देते इसको बटन वन। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी करता हूं और जस्ट इसके नीचे प्लेस करता हूं, तो अब आप देखेंगे तो आपकी इस लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो बेसिकली लीनियर लेआउट थी और ओरिएंटेशन आपने क्या रखी थी, वर्टिकल। तो जहाँ पहला कंपोनेंट ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ दूसरा ख़त्म हो रहा है वहीं से तीसरा स्टार्ट हो रहा है। अब मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको हर लेआउट में अवेलेबल होंगी, ठीक है, हर लेआउट में अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मैच पैरेंट नहीं, दफ़ा रैप कंटेंट कर दिया, ठीक है। तो जितनी आपसे वो विड्थ मांग रहा है वो कंपोनेंट, जितनी आपसे वो हाइट मांग रहा है आप उतना एलोकेट उसको कर दें। तो अब आप देखेंगे थोड़ा तमीज का बटन हो गया अभी, ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब अगर मैं चाह रहा हूं ये जो बटन है
पेरेंट कंटेनर के अंदर आए तो सेंटर में आए, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में। तो सेंटर में लाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका यह है कि आप जो पेरेंट लेआउट, इसकी जो पेरेंट है इस कंटेनर की जिसको आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, इसका जो पेरेंट है उस पर कोई प्रॉपर्टी सेट कर। तो किसी भी पेरेंट कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी, ठीक है। कि ग्रेविटी अगर आप किसी भी कंटेनर की बता देंगे कि भाई ग्रेविटी ये है कि हर कंपोनेंट सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, पहला कंपोनेंट सेंटर में आएगा, दूसरा अगर आता है तो दोनों मिला के सेंटर में होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेविटी की और मैंने इसको बता दिया। अब मल्टीपल तरीके, ग्रेविटी क्या बॉटम से स्टार्ट होगी, सेंटर से होगी, सेंटर हॉरिजॉन्टल से होगी। सेंटर का मतलब ये दोनों चीज़ें शामिल है इसमें, हॉरिजॉन्टल से भी सेंटर में होने चाहिए, वर्टिकली भी सेंटर, तो ऑटोमेटिकली वो बीच में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो अब देखेंगे तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स का फ्लो स्टार्ट हुआ है वो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई। पहले कहाँ से हो रही थी, बिल्कुल टॉप से हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इन तीनों बटन्स को रिमूव भी कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक लेआउट के अंदर भी मल्टीपल नेस्टेड लेआउट हो सकती है, नेस्टेड समझते हैं, विद इन सेम पेरेंट, ठीक है। तो एक पेरेंट के अंदर सिमिलर टाइप का भी चाइल्ड हो सकता है। तो आपके पास डिपेंड करता है आप जीयूआई किस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जीयूआई को इस तरह से डिज़ाइन कर दिए हैं कि भाई सबसे टॉप पे दो बटन बराबर में आए एक दूसरे के साथ और नीचे जो बटन है वो दोनों पूरा जो है वो जीयूआई को एक्वायर कर लें। फॉर एग्जाम्पल तो इस तरह का काम करने के लिए हमने अपने लेआउट को समझना होगा, पहले हम किस लेआउट में मौजूद हैं। तो हम जिस लेआउट में मौजूद है ना वो हमें वन टाइम फ्लो देता है, वन वे फ्लो। या तो कंपोनेंट क्या होंगे, वर्टिकली सॉर्ट होंगे या फिर हॉरिजॉन्टली। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई कंपोनेंट एक साथ आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए अंदर एक और लीनियर लेआउट लगा, लीनियर लेआउट। मुझसे पूछेगा विथ क्या होनी चाहिए, मैंने कहा कि इसकी विथ मैच पेरेंट होगी लेकिन रैप कंटेंट कर दो इसकी हाइट, जितने कंपोनेंट्स के अंदर हो उतनी ही इसकी लेआउट की हाइट। अब इसलिए लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन क्या हो, इसके अंदर जो आप कंपोनेंट रखेंगे वो कैसे रखे जाएंगे, टॉप टू डाउन या राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी ओरिएंटेशन एक दफ़ा स्टैंडर्ड कर दी हॉरिजॉन्टल, तो अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट आएंगे वो हॉरिजॉन्टली रखे जाएंगे। तो मैंने यही वाला बटन उठाया और दो दफ़ा इसको पेश किया। तो अब अगर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास, क्योंकि पेरेंट की ग्रेविटी, इस लीनियर लेआउट की जो ग्रेविटी थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेंटर था। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। अब आप देखेंगे टॉप पे, तो ये चीज़ जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये एक लीनियर लेआउट। इस लेआउट की क्या ग्रेविटी है, हॉरिजॉन्टल। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो राइट टू लेफ्ट एलोकेशन उसकी स्टार्ट हुई। अब इस लीनियर लेआउट की भी ग्रेविटी आप सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो दो कंपोनेंट आ तो रहे लेकिन बीच से इसकी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो, तो हम जाके इसकी ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, ग्रेविटी सेंटर, फिर सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ग्रेविटी सेट करनी है, आपने कहा सेंटर से भी हो लेकिन राइट से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल सेंटर से हो और राइट से स्टार्ट हो, तो देखें ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि मैं अपने अल्फाज को चेंज करके बोलूँ, सेंटर से तो हो लेकिन लेफ्ट से स्टार्ट हो। तो इसके लिए आपसे ये पूछ रहा है इसकी ग्रेविटी क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी की ना बहुत सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो मैं दोबारा इसको आपको इंटेलिजेंस के थ्रू दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मैंने कहा ग्रेविटी, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आपके जो कंपोनेंट का फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल सेंटर से स्टार्ट होगा, वर्टिकल से कहीं से भी हॉरिजॉन्टल ही उसको सेंटर होना चाहिए। वर्टिकल के रखने का मतलब ये, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में वर्टिकल में उस चीज़ को रखते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड से बिल्कुल वो कंबाइन होगा लेकिन वर्टिकल ही सेंटर में। सेम यही हॉरिजॉन्टल के साथ है, वो टॉप से तो सेंटर में होगा पर वो बॉटम लेवल से या राइट लेवल से ही वो टॉप पे ही होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी देर के लिए
400 डीपी कर देता हूँ, ठीक है। इन पिक्सल को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि डीपी एसपी फला चीज़ें क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे अब इस लीनियर लेआउट की जिसमें हम मौजूद हैं, इसकी हाइट कितनी हो गई है, ये हाइट है। अब मैं इसकी ग्रेविटी, जो कि मैंने अभी सेट नहीं करी, मैंने रिमूव कर दी, मैं इसकी ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल। तो अब आप देखें कि इसने इस कंटेनर के अंदर अपने कंपोनेंट्स की जो ग्रेविटी थी वो सेंट्रली वर्टिकल है। तो वर्टिकली वो सेंटर से स्टार्ट हो पर हॉरिजॉन्टली वो लेफ्ट साइड से ही कंबाइन। दूसरी है कि मैं इसको सेंटर वर्टिकल कर दूं, तो वो टॉप लेवल से हॉरिजॉन्टली सेंटर में होंगे, पर बॉटम से या सेंटर से वर्टिकली वो शॉर्ट हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसको सेंटर में भी करने में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर ही वर्टिकल मैंने कर दिया, अब मैं चाहता हूँ चले इस तरह का कोई डिज़ाइन तो है, यहाँ से तो स्टार्ट हो पर ये राइट से हो, ये चीज़ राइट से हो। तो इसके लिए हमारे पास कोई अलग से प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, तो हम मल्टीपल ग्रेविटी की वैल्यू एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये सेंटर ही वर्टिकली तो हो, लेकिन जो इनकी ओरिएंटेशन है वो जहां भी मेरा कर्सर मौजूद है ना, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाने तो कोई मुश्किल नहीं है, सेंटर कर दूंगा सिंपल, सही है ना। यहाँ पे बीच में लाना है तो जस्ट इसको सेंटर कर दें। तो सेंटर मैंने आपको कहा दोनों चीज़ें हैं, सेंट्रली हॉरिजॉन्टल, सेंट्रली वर्टिकल, तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में आ गए। ये लाना तो कोई मसला नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ पर आ जाए, इधर आ जाए जहाँ मेरा अभी कर्सर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले आप इसको सेंटर ही वर्टिकल कर लें, तो ये वर्टिकल ही आ गया, लेकिन इसकी ग्रेविटी लेफ्ट से स्टार्ट ना हो, कहाँ से हो, राइट से हो। तो आपके पास ये बार का सिंबल होता है, मैंने बार का सिंबल लगाया और आपने बता दिया एक और इसको राइट, तो ये राइट हो। तो आप मल्टीपल ग्रेविटी की वैल्यू भी एक साथ दे सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप किस तरह से उस कॉम्पोनेंट को उस कंटेनर के अंदर प्लेस करने की कोशिश करें, ठीक है। नमाज का टाइम हो गया, मैम नमाज पढ़ लेते हैं फिर दोबारा से इनसे फास्ट भी कंटिन्यू करते हैं।